सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में ऑन नंबर लाइन पे, तो इस वीडियो में आप समझ सकेंगे और आसानी से समझेंगे कि रेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स में बहुत सारे टाइप्स के होंगे, जैसे 5/7 मीन्स आपका न्यूमरेटर कम हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, निगेटिव में हो, फिर से न्यूमरेटर ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर कम हो, या तो डेसिमल में हो। ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर हैं और सबको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक एक करके हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चंस आपको समझने के बाद बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट नंबर में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 5/7, ठीक है। तो 5/7 देखिए, ये क्या है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू पहले सबसे पहले पता करते हैं कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो एक रेशनल एक नंबर लाइन बना लेंगे हम लोग, ठीक है। कहीं पे हम लोग जीरो दे देते हैं। चलिए देखिए, ए पॉजिटिव है रेशनल नंबर, तो हम लोग निगेटिव लेना नहीं है, हम लोग पॉजिटिव की तरह चलेंगे। और 5/7 अगर नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, डैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमिनेटर से, तो आपका इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो हम 0 ये मेरा ले लिया ओरिजिन, और यहाँ सपोज कि ये 1 स्पेस है और ये क्या है इक्वली, ए स्पेस आप इक्वल लेंगे, ठीक है। 1 और 2 ले लिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या है, देखिए 5/7 है तो यहाँ 7 है, नीचे 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 घर अति 7 ब्लॉक बनाने के लिए आपको कितने लाइन्स ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6, और सभी इक्वल डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ करना है, मीन्स यहाँ एक लेस करके लाइन ड्रॉ करना है, तो ऑटोमेटिक आपका 7 घर बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अगर 7 लाइन ड्रॉ कर दे तो 8 घर बन जाता, तो ये गलत हो जाता आपका, ठीक है। तो यहाँ जितना रहेगा उससे कम लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए अब ऊपर कितना है, 5 है, तो गिन देंगे, यहाँ ये यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5, तो मेरा ए हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, ए अगर ए है ए पॉइंट से, तो ए बराबर कितना हो गया, 5/7, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये पता करते हैं क्या है। ये तो निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मान सपोज कि मेरा ओरिजिन कहीं भी आप ओरिजिन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मिडिल में ही देना है, तो 0 है, तो ये निगेटिव साइड में रिप्रेजेंट होगा नंबर। तो सपोज कि यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, -1 हो गया, और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ से हमारे -2 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह ये अब देखते हैं कि न्यूमरेटर आपका कितना है, न्यूमरेटर आपका मीन्स -1/3 में 1 न्यूमरेटर आपका कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो जैसे फर्स्ट में बनाए थे उसी तरह सिमिलरली इसमें बनाएंगे, तो इसका भी वैल्यू आप अभी किसके बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में, 0 माइनस 2 के। नीचे कितना है, 3 है, 3 है, तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 और 2, ठीक है। ये 3 था तो एक कम लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 हो गया, और ऊपर कितना है, 1 है, तो 1 काउंट कर लेंगे, यहाँ 0 दिया हुआ है, हमेशा 0 तरफ से 0 से ही काउंट करेंगे गिनती, तो 1 0 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो हमें क्या हो गया, एरियल दे दिया। यही मान लीजिए कि बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट कितना रिप्रेजेंट करेगा, -1/3, ठीक है। तो या प्लस हो या माइनस हो, आप सिंपल वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस रहेगा तो राइट साइड चलेंगे और माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड चलेंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, अगर इस टाइप का दिया हो, 5/7/5 मीन्स अगर आपका न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो ये 5 हो गया और 1 हो गया और यहाँ पे ना 2 हो गया, ठीक है। इस टाइप का करेंगे, मीन्स अगर 5 से डिवाइड कर लेंगे 7 में, तो 1 टाइम 5 हो गया, 2 हो गया, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप कर देंगे इसको, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1+2/5, तो 1/1+2/5 के मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। और ये सबसे पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो एक नंबर लाइन बना देंगे हम लोग, और सब जगह यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर 1 हो गया और इक्वल इधर यहाँ 2 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर मेरा किसके बीच में होगा, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, तो 1 और 2 हो गया, 1 और 2 के बीच में, तब यहाँ से फिर उसी तरह 1 और 2 के बीच ले लिया, और कितना है, ये 2/5 है, तो नीचे 5 है, तो 5 तो कितना लाइन डॉट करेंगे, 1 2 3 4 कर दिए,
और ऊपर में कितना है, ऊपर में टू है, तो यहाँ से आप जीरो से नहीं गिनेंगे, वन से गिनेंगे, तो वन और टू ये हो गए। तो ये सी पॉइंट, तो ये कितना दे दिया, यही आपका लिख देंगे 7/5। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है चौथा नंबर 0.05। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल हटाएंगे तो 5/10 भी लिख सकते हैं, और एक कट के कितना होगा 1/2। तो इसको सिंपल में आप क्या कर सकते हैं, ये तो आप रिप्रेजेंट हो जाएगा ऐसे करेंगे, और जीरो दे दी और यहाँ वन हो गया, तो ये हाफ आपका क्या था, यहाँ टू है, तो एक लाइन ड्रॉ यहाँ पर करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यही आपका क्या हो गया 1/2। अगर इसी तरह आपको रिप्रेजेंट करना हो जैसे कि 0.9, तो कैसे करेंगे, तो इसको भी आप 9/10 लिख सकते हैं, और इसको भी आपका ये जब भी वैल्यू होगा किसके बीच में होगा, ये जीरो बना दिए, और ऊपर कम है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो इसको जीरो और वन के बीच में ही होगा, तो वन दे दिए, और आपको अगर मन है तो टू भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बीच में कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 है, तो 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ऊपर कितना है, 9, 9 काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मेरा लड्डी पॉइंट है, ये आपका कितना हो गया 0.9, या इसको बोल सकते हैं आप कितना 0.9 बोल सकते हैं, या आप 9/10। तो इस तरह का ये आपका नंबर लाइन पे सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर दिए गए। ठीक है, लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, इस भी इस टाइप का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पे आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, इसी तरह आप लोग फीडबैक भेजते रहें। ठीक है, हम आपको रिस्पॉन्स देते रहेंगे, रियल देते रहेंगे, सॉल्यूशन देते रहेंगे। थैंक्स।